बारा जिले के सिसवाली थाना क्षेत्र में एक 2.5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित बालिका को गंभीर हालत में कोटा के जेकेलोन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़ित बालिका का मुंह बोला मामा लगता है। जानकारी के अनुसार सिसवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली 2.5 वर्षीय बालिका को पड़ोस में रहने वाला युवक चॉकलेट दिलाने के बहाने उसके काका के मकान से लेकर अपने घर ले गया, जहां पर आरोपी युवक ने तेज आवाज में स्पीकर चलाकर वारदात को अंजाम दिया। बच्चे की हालत गंभीर होने से उसे कोटा रेफर कर दिया गया, जिसका उपचार जेकेलोन अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना पर बाल कल्याण समिति की टीम भी अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। साथ ही पुलिस अधिकारियों से इस घटना के संबंध में जानकारी लेकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। वहीं सिसवाली थाना पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है और साथ ही मामले की जांच कर रही है। करीबन 4 या 5 बजे की बात थी, तो मैं मेरे घर पे था, मेरी पत्नी भी थी। उसके बाद में मेरी पत्नी ने कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ छोड़ा लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है चले जाओ। वो बच्ची को छोड़ के गई थी। उसके बाद में बच्ची मेरे भाई के पास थी, मेरे भाई के पास थे बच्चे को लेकर तो मैं दुकान पर 5 रुपये की चीज़ दिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे कह के वो ले गया। ले जाने के बाद में सीधा दुकान पर नहीं गया और उसके घर पर चला गया। घर में करके अंदर ले जाकर बच्चे के साथ पता नहीं क्या क्या हो गया, वो तो हमें भी पता नहीं था। बाद में बच्ची रोती हुई बाहर निकली तो मेरी बहन को पता चला कि बच्ची रो रही है। फिर पक्के बच्चे को लेने गई मेरी बहन। मैं तुरंत उठते ही बच्ची को मेरी बहन को लेकर आए, अंता निकल गया। अंता निकल कर अंता में अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने के बाद में अपने तिवारी जी ने कहा कि भाई चलो पुलिस को बुला लो। मैंने कहा चलो जैसे आप जो करेंगे वो कर लेंगे। पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। इन्फॉर्म करते पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जांच की और तहकीकात करके उन्होंने कहा कि चलो इनको कोटा रेफर कर दो। जी हाँ, देखिए इस संबंध में मेरी सुबह ही डॉक्टर निर्मला शर्मा जो जेकेलोन में हैं उनसे बात हुई है विस्तृत। उसके बाद मैंने डॉक्टर भारती सक्सेना HOD जो हैं उनसे बात की है। डॉक्टर खुशबू मीणा से वार्ता हुई है इस संबंध में। बहुत ही छोटी है बालिका और उसको जिस तरह से चॉकलेट दिलाने के बहाने, खिलाने के बहाने ले जाया गया है, एक हैवानियत दरंदगी है। ऐसे लोगों को मेरा अपना विचार है और आप सबसे भी मेरी ये इल्तिजा है, निवेदन है, प्रार्थना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप इतना हाईलाइट करिए मैटर को, इतना सबको जागृत करिए कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा ही मिले। इससे कम सज़ा के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ये मेरा अपना विचार है। क्योंकि वो बच्ची जो अभी कुछ भी नहीं समझती है और उसकी इतनी दुर्दशा हुई है कि मैं बता नहीं सकती। जो देखा है, लोगों ने सुना है और अभी इसके बाद मैं बच्ची से भी मिलने जा रही हूँ और कुछ समय बाद ही उसको OT में ले जाया जाएगा और उसकी एक सर्जरी भी होगी, क्योंकि बच्ची की हालत अभी तक स्थिर बनी हुई है। आरोपी कौन था? आरोपी पकड़ लिया गया है और पास में रहने वाला ही है, जहाँ आना जाना था उसका। बच्ची भी छोटी थी, आ जाती थी, चली जाती थी और दोनों परिवार में आपस में मेलजोल था, आना जाना था, इसलिए बच्ची चली गई। अब क्या सोचा है बच्ची के लिए? उसकी हालत बहुत खराब है, भविष्य के लिए प्रार्थना। देखिए शुभकामना और उसके लिए हम दुआ प्रार्थना यही कर रहे हैं कि बच्ची जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और मालिक ने चाह तो स्वस्थ होगी, क्योंकि हमारी पूरी टीम, डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है उसके लिए। रात से ही चिंतित हैं और पूरे प्रयास प्रशासन भी कर रहा है और हम भी उसको जितनी आर्थिक सहायता, जितनी उसको सुरक्षा, जैसी भी आवश्यकता होगी कानूनी सहायता दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।